भारत सरकार द्वारा गीता प्रेस को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस अपना शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है। शताब्दी वर्ष समारोह में ही गीता प्रेस के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से गीता प्रेस को साल 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई। हालांकि स्थापना के 100 साल बीत जाने के बाद भी गीता प्रेस ने अपनी परंपरा के अनुसार आज तक कोई भी पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस बार प्रशस्ति पत्र और सम्मान स्वीकार करने का निर्णय ट्रस्ट ने लिया है। हालांकि सम्मान के रूप में मिलने वाली 1 करोड़ रुपए की धनराशि गीता प्रेस नहीं लेगा। उन्होंने कांग्रेस की गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिलने पर दी गई टिप्पणी पर कहा कि गीता प्रेस किसी भी तरह की राजनीतिक टिप्पणी का जवाब नहीं देता है। 29 अप्रैल 1923 को गीता प्रेस की स्थापना हुई थी। 100 साल पहले 10 रुपये मासिक किराए के भवन में शुरू हुआ गीता प्रेस अब तक 93 करोड़ से अधिक धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन कर चुका है। शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ पिछले साल 4 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। इस वर्ष होने वाले शताब्दी वर्ष समापन के मुख्य समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित होंगे। हालांकि अभी उनके आगमन की तिथि तय नहीं हुई है। उनके आगमन के पूर्व ही गीता प्रेस को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं इस संबंध में गीता प्रेस के प्रबंधक डॉक्टर लालमणि तिवारी ने कहा कि यह गीता प्रेस के लिए गौरव की बात है। ये संस्थापकों के सत्संकल्प का परिणाम है। गीता प्रेस स्थापना के 100 साल पूरा हो जाने के बाद भी गीता प्रेस ने अब तक इसी बीच संस्थागत पुरस्कार को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन गीता प्रेस ट्रस्ट ने पहली बार सम्मान स्वीकार करने का निर्णय लिया है। गीता प्रेस की ओर से गांधी शांति पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र स्वीकार किया जाएगा, लेकिन पुरस्कार के रूप में मिलने वाली 1 करोड़ रुपए की धनराशि को गीता प्रेस नहीं लेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित संस्कृति मंत्रालय का भी अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के लिए आभार प्रकट किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गीता प्रेस के प्रबंधक डॉक्टर लालमणि तिवारी ने कहा, बहुत गौरव की बात है और बेहद खुशी इस बात के लिए है, हर्ष का विषय है गीता प्रेस के लिए कि गीता प्रेस के काम को भारत सरकार भी रिकॉग्नाइज कर रही है। गीता प्रेस तो अपना चुपचाप प्रचार प्रसार कर रही है, कहीं किसी पुरस्कार के होड़ में या पुरस्कार की लालसा से या पुरस्कार की आकांक्षा से गीता प्रेस कभी काम नहीं कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो भारत सरकार ने, संस्कृति मंत्रालय ने और प्रधानमंत्री हमारे उनकी अध्यक्षता की कमेटी ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है, इसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सर, अभी आप बता रहे थे जिस तरह की हम लोग कोई पुरस्कार लेते रहे थे, अब क्या निर्णय हुआ है? देखिए, 100 वर्षों तक तो अभी यही था, लेकिन इस बार ट्रस्ट बोर्ड ने निर्णय लिया है कि हम सम्मान करते हुए सम्मान को तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन 1 करोड़ साथ में मिलने वाली धनराशि को स्वीकार नहीं कर सकेंगे।